स्मारक ध्वस्त कर दिए गए हैं नक्सलियों ने, जवानों ने ध्वस्त किया है नक्सली का स्मारक। जवानों ने सिंगाराम में ये स्मारक ध्वस्त किए हैं। गोलापल्ली थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान स्मारकों को ध्वस्त किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नक्सलियों ने जो स्मारक बनाए हुए थे इन स्मारकों को ध्वस्त करते हुए आपने यहां जवानों को देखा। सर्चिंग के दौरान इन स्मारकों की जानकारी यहां मिली। सतीश चांडक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। सतीश बताएं। सतीश जानकारी दीजिएगा, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी आपको बता दूं कि ये गोलापल्ली जो है सुकमा जिले का थाना क्षेत्र है, उस इलाके की सिंगाराम इलाका है। वहाँ पे जवान जो है सुबह ऑपरेशन के लिए गए हुए थे और जैसे ही जवान उस इलाके में पहुंचे वहाँ पर पहले से ही नक्सलियों के द्वारा जो है दो स्मारक बनाया गया था। वहाँ पर शहीदी सप्ताह को लेकर कुछ कार्यक्रम करने के फिराक में थे, लेकिन जवान वहाँ पहुंचकर दोनों नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। धन्यवाद सतीश आपका। वही बालाघाट में बाढ़ में पुजारी फंस गए और उन्हें एसडीआरएफ और होम गार्ड के जवानों ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि होम गार्ड के जवान सुरक्षित पुजारी को बाहर लेकर आ रहे हैं। पानी आप देखिए कितना पानी यहां पर भरा हुआ है। होम गार्ड के जवानों ने पुजारी को सुरक्षित रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की और रेस्क्यू का ये वीडियो सामने भी आया है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं किस तरह से बालाघाट में यहाँ पानी ही पानी चारों तरफ आपको नजर आ रहा है। इसी पानी में पुजारी फंस गए थे, उनका रेस्क्यू किया है यहाँ एसडीईआरएफ और होमगार्ड के जवानों ने। रेस्क्यू का ये वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में पुजारी को सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर लाते हुए जवान नजर आ रहे हैं। आगे बात रायपुर की, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 3 घंटे के लिए। 30 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों में येलो, 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर अनुमान लगाया गया है। रायपुर में मेन रोड पर एक पुराना पेड़ गिरने से हादसा हुआ। जो स्कूटी से जा रही महिला के ऊपर ये पेड़ गिर गया, महिला पेड़ की चपेट में आ गई। शंकर नगर मेन रोड पर ये पुराना पेड़ गिरा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। तो स्कूटी से जा रही महिला के ऊपर ये पुराना पेड़ गिर गया। शंकर नगर मेन रोड पर ये पुराना पेड़ जो था लगातार हो रही बारिश में कमजोर होकर गिर गया। तो देखिए यहाँ पर स्कूटी में जो महिला सवार थी उसके ऊपर ये गिरा है। स्कूटी को भी चोटें आई हैं, महिला को भी, और ये बाइक पर भी डेंट पड़ा है। हादसे में महिला घायल हो गई। महिला स्कूटी के ऊपर सवार थी, महिला के ऊपर ये पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में महिला आ गई, साथ में एक बाइक पर भी नुकसान पहुंचा है, महिला भी घायल हुई है। तस्वीर रायपुर की आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ। और अब बात जांजगीर चांपा की, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हुई है। ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने ये कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन पर से अवैध निर्माण को हटाया गया है। राजस्व अमला और पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की गई है इस अतिक्रमण को हटाने के लिए। जांजगीर चांपा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है।
आओ खबर मुंगेली से, जहां झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में रुक रुक कर बारिश के जारी रहने को लेकर अनुमान लगाया है। उधर एक दिन में ही हुई बारिश के बाद पूरे जिले में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। धमतरी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। महिमा सागर वार्ड में कच्चा मकान गिरा है। लगातार बारिश से कच्चा मकान गिर गया। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। महिला सागर वार्ड में यह कच्चा मकान गिरा है। धमतरी में महिमा सागर वार्ड, जहां पर यह कच्चा मकान गिर गया, लगातार बारिश से यह कच्चा मकान जो पहले से ही कमजोर था वो गिर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मलबा ही मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर कच्चा मकान था जो लगातार बारिश के बाद गिर गया। हाय कैसा महाराज, हाय कैसा महाराज। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। यहाँ पर कच्चा मकान गिरा है और इसी कच्चे मकान को देखने के लिए, जो मलबे को देखने के लिए यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हैं। अब जो पीड़ित परिवार जो उस घर में रहता था, उसने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उसका घर गिर चुका है लगातार हो रही इस बारिश में। वो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आसपास के लोग भी यही इकट्ठा हुए हैं देखने के लिए किस तरह से ये मकान गिरा, कितना नुकसान हुआ, अब क्या करेगा पीड़ित परिवार, और इसीलिए मदद की गुहार प्रशासन से लगा रहे हैं। धमतरी के तेलिन सत्ती गांव में भारी बारिश की वजह से यहां के स्कूल में पानी भर गया। गांव के प्राथमिक शाला के सभी क्लासरूम में पानी भर जाने की वजह से स्कूल पहुंचे छात्र वापस लौट गए हैं। बता दें कि धमतरी जिले में लगातार जारी बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की आशंका जताई है। बात जबलपुर की, जहां बरसात से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया। नदी में आए उफान से नर्मदा के घाट डूब गए। सिवनी आसपास के जिलों से भारी रेस्क्यू किया गया है। 20 साल में पहली बार नवग्रह मंदिर तक पानी पहुंच गया। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के घाट पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नावों को चलाए जाना भी बंद किया गया है। नावें भी नहीं चलाई जा सकती हैं। श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध है, स्थानीय लोगों के भी आने पर यहां प्रतिबंध किया गया है। 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब नवग्रह मंदिर तक पानी पहुंच गया। तस्वीरें आपको यहां भी एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर पानी ही पानी है। नावों के संचालन को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। नर्मदा का जलस्तर में भी इजाफा हुआ है। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, किस तरह से पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जबलपुर में अभी बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अभी इसके पहले तक रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन जबलपुर के साथ साथ आसपास जो नर्मदा का एनक्रोचमेंट एरिया है, सिवनी मंडला क्षेत्र है, वहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही, जिससे नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। और जबलपुर में जितने भी नर्मदा तट हैं वहां भी सभी जगह घाट पानी में डूब चुके हैं, नर्मदा में डूब चुके हैं। प्रशासन अलर्ट है, पुलिस और होमगार्ड को भी अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों को पानी से दूर रहने की समझाइश दी गई है। फिलहाल अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जरूर हो गया है पूरा प्रशासन, और लोग भी अब जो है इस नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इसके लिए सावधान रहना होगा कि पानी से दूर रहें, क्योंकि अचानक और भी बढ़ सकता है। अभी भी बारिश जारी है जिसके बाद नर्मदा का जलस्तर धीरे धीरे और आगे तक बढ़ रहा है। शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए।
वही बालोद में सोमवार रात एक हादसे में कार सवार 6 लोग डूबने से बाल बाल बच गए, हालांकि उनकी कार नाले में बह गई। घटना बालोद थाना क्षेत्र की है। दुर्ग जिले के धनोरा गांव के रहने वाले 6 लोग कार से बालोद के बरही गांव आए थे। लौटते वक्त साकरा गांव के पास उफनते नाले को पार करने की कोशिश करने लगे। इस दौरान कार तेज धार में बहने लगी। गनीमत ये रही कि सभी लोग वक्त रहते कार से बाहर निकल गए। उनकी कार पानी में बह गई। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जिले में नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। बालाघाट में तेज बारिश का दौर जारी है। स्कूलों में एक दिन की छुट्टी कर दी गई है। डीईओ ने एक दिन की छुट्टी घोषित की है। कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने यह घोषणा की है। दमोह में लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। सुभाष कॉलोनी और मुस्की बाबा इलाके में नाव चल रही है और इसके जरिए महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। राजनगर इलाके में एक कार बहकर नाले में पहुंच गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पानी ही पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है और यहाँ नावें चलानी पड़ रही हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। राजनगर के पास में मड़ाहार जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां जलप्रपात के नजदीक लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे थे। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क हुआ और तीरथगढ़ वाटरफॉल के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया है। अब ये ताला जलस्तर कम होने के बाद खोला जाएगा। तो वहीं वाटरफॉल के पास जवानों को तैनात किया गया है, जिसके बाद तीरथगढ़ जलप्रपात पहुंच रहे पर्यटक बाहर से ही लौट रहे हैं। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले काफ़ी उफान पर है और बस्तर के जो पर्यटन जो स्थल है वहाँ पर जो पर्यटक है आसानी से पहुँच रहे। इस खबर को दिखाए जाने के बाद जो वन विभाग का जो अमला है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर जवानों को तैनात करने के साथ समिति के लोग भी तैनात कर दिए गए हैं। न्यूज 18 ने खबर दिखाया था कि जलप्रपात के नज़दीक जो पर्यटक पहुँच के सेल्फी और फोटो ले रहे थे, जिसके बाद विभाग सतर्क हो गया और ये तीरथगढ़ का मेन गेट है। यहाँ पर जो समिति के लोग हैं ये मुझते थे, जो बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनको समझाइश दे रहे हैं कि जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ है और जल स्तर कम होने के बाद ही ये मेन गेट को खोला जाएगा। तो कह सकते हैं बस्तर में बारिश का जो रौद्र रूप दिख रहा है और पर्यटन स्थलों पर जो जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ उसको देखते हुए जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस प्रशासन ये कदम उठाया है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर।